किया गया कार्यक्रम में कई दिग्गजों की मौजूदगी देखने को मिली, जिसमें सांसद, पूर्व राज्य मंत्री, एमएलसी, विधायक आदि लोग शामिल थे। करौल में नारायण कश्यप शिक्षा निकेतन में स्वर्गीय सीलमती देवी की पुण्यतिथि पर मेधावियों एवं नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं एवं नागरिकों को सम्मानित किया गया। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने कहा कि चुनाव वक्त योगी जी कहते थे कि अपराधी प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। अब योगी जी बताएं वो कौन से अपराधी हैं जो उत्तर प्रदेश को क्राइम में पहले स्थान पर ला रहे हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में अराजकता का माहौल है। एमएलसी अरविंद यादव ने कहा मेधावियों के सम्मान के कार्यक्रम की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने कहा इस प्रकार के आयोजनों से प्रतिभा को सम्मान मिलता है। जहां माता को याद करते हुए तरफ सामाजिक कार्य करके बच्चों को पढ़ाते हुए याद को सजों के वहां जो काम किया है उसकी पढ़ाई के बाद इस साल भी हम लोगों को इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला, इस साल भी आने का मौका मिला और उम्मीद है साल दर साल जब जब हम लोग आएंगे इस कॉलेज स्कूल को जो रूप है स्वरूप है और बड़ा धीरे धीरे होता जाएगा। आज शिक्षा की जो हालत है आज ये मेरे साथ बैठे हुए हैं आप मुझसे उसको बता रहे थे कि ये हाल हो गया है आजकल। उन्होंने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। कार्यक्रम संयोजक राम नारायण बाथम ने आए हुए सभी अतिथियों को माला पहनाकर एवं शाल उड़ाकर सम्मानित किया। बड़े भाई एमएलसी श्री सुभाष चंद्र यादव जी, सम्मानित मंच एवं डॉक्टर साहब श्री आदेश जी, ये जो अभी कह रहे थे वक्ता उससे पहले मैं ये सुन रहा था जिनकी पुण्यतिथि है। जब मैं मास साहब के यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता था तो ये बाहर बरामदा में खटिया बैठी मिलती थी और जब हम लोग निकलते थे तब कहती थी बेटा चाय पी लो। ये बात सही है, बुजुर्गों का आशीर्वाद और सम्मान जीवन में व्यक्ति को किस ऊंचाई तक पहुँचा दे इस चीज़ का अंदाज किसी को नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का कर्म ये होता है कि उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, इसका फल हम लोगों को मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद। ढाई साल से पहली अब सरकार आई है और लगातार हत्याएं इस प्रदेश में हो रही हैं, पुलिस वालों की हत्याएं, जाति विशेष की हत्याएं और हर जिले के हर शहर में कोई दिन ऐसा नहीं होता है हत्या बलात्कार जैसा घटना। जिस तरह से प्रदेश की कार्यशैली चल रही है, प्रदेश सरकारी कार्यशैली चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? नाम शुरू कर दिया, डायल हंड्रेड 112 कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? सारे के सारे कार्य समाजवादी पार्टी में हुए थे और नाम बदलने से अगर योजना सफल हो जाती तो पहली सरकार भी नाम बदलने में नया काम नहीं करती। जिला मैनपुरी में थाने और क्या नाम बिजली विभाग में जबरदस्त लूट चल रही है, आप इसने किस नज़र से देखा? थाने में, तहसील में और बिजली में तो गरीब लोगों का इतना बड़ा हाल किया हुआ है, किसी घर बिजली वाले पहुँच जाते हैं और 10,000-20,000 रुपये लेके वहाँ से निकलते हैं। ये सब पूरी जो है सरकार की अराजकता और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। जिस तरह चुनाव में संख्या में नंबर एक होता चला जा रहा है, इस नज़र से आप क्या देखें? योगी जी कहते थे कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे तो वो बताएं कहाँ के अपराधी हैं जो नंबर एक प्रदेश को लेके जा रहे हैं।